गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर का इम्पोर्टेंट क्लास है। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कई बार लिखे कई वीडियो पे कि सर हमको सेरिकल्चर का वीडियो चाहिए और स्पेशली मिल नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि चलो आज सेरिकल्चर पे ही वीडियो बना दिया जाए। तो हम सेरिकल्चर का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जिस चैनल पे पहली बार आए हो, जिस चैनल पे नए स्टूडेंट्स हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अधिक से अधिक शेयर कर दो, जिससे आपके जो साथी हैं स्टूडेंट्स हैं उनको इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलो चलते हैं, हम आज पढ़ते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम पढ़ेंगे सिल्क वर्म के बारे में। तो जो हमारा सिल्क वर्म है स्पेशली उनके बारे में हमको देखना है कि ये क्या कहता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद हम बात करेंगे और इनका जो हैबिट और हैबिटेट है उसके पहले हम देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हैबिट और हैबिटेट और इनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद किसका देखेंगे, सिल्क वर्म का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इनके बाद हमको देखना है क्या स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जैसे खत्म होगा हम देखेंगे इनके लाइफ साइकिल को कि आपका जो पूरा का पूरा सिल्क वर्म है और इसका लाइफ साइकिल कैसे है, ये पूरा जो प्रोसेस दिख रहा है ये प्रोसेस क्या कहना चाहता है। और ये बहुत ही इजीली तरीके से हम पढ़ लें कि सही तरीके से हम कैसे इसको याद रखें लंबे समय तक। तो चलो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं जब इसके क्लासिफिकेशन की तो सबसे बेस्ट फंड आता है, पहले हम किंगडम की बात करेंगे। इसका किंगडम क्या है, तो किंगडम आप जान रहे कि ये एनिमल है, तो एनिमल में आएगा तो किंगडम एनिमिलिया होगा या एनिमल होगा। ठीक, किंगडम हम एनिमल में रख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फाइलम की, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा बात करता है। क्या करता है, आर्थ्रोपोडा। ये इंसेक्ट है तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में आएगा। बात करेंगे उसके बाद इसके क्लास की, क्लास कौन सा आएगा, तो क्लास स्टूडेंट आता है इंसेक्टा या इंसेक्ट कह सकते हैं कि इंसेक्टा इसका स्पेशल क्लास है। बात करेंगे ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या कहता है, लेप्टोडिप्टेरा। क्या कहता है, लेपोडेप्टरा। लेपोडेप्टरा इसका क्या है, स्पेशल ऑर्डर है। उसके बाद हम जीनस की बात करेंगे, तो बेम्बे सोटाई की बात करता है। बेम्बे सोटाई, जो सोटाई है वो क्या है इसकी स्पेशली जीनस है। स्पेसीज की बात करेंगे तो क्या कहता है, बेम्बॉक्स की बात करता है कि बेम्बॉक्स है इसकी स्पेशली जीनस, सॉरी स्पीसीज। जीनस में क्या है, बेम्बे सोटाई। स्पीसीज में क्या है इसकी, बेम्बॉक्स। ठीक, ये इसकी और रही क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्लासिफिकेशन। हाँ, आप यदि आंसर फिलअप कर रहे हैं अपने बुक में, तो क्या कॉपी में पेपर के समय, तो यदि आप क्लासिफिकेशन सही से करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो आपका टर्म्स है ये आ जाता है और टीचर को थोड़ा अच्छे मार्क्स के लिए प्रेरित करता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छे मार्क्स की ही जरूरत पड़ती है। तो चलो चलते हैं फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देखो ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाया जाएगा। जब पूरे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में है तो हम बात कर लें इंडिया की और पाकिस्तान, चाइना। सबसे पहले चाइना की बात कर लें क्योंकि चाइना में ही सबसे पहले देखा गया था। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, ब्राजील, ठीक, यानी कई कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज में ये लगभग उपलब्ध है या पाया जाता है। उसके बाद हम और आगे बात करेंगे इसके की, बात करें स्पेशल इंडिया की, तो इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे ये लगभग पाए जाते हैं। तो बात करें यूपी है, इसमें एमपी है, मध्य प्रदेश एमपी है, महाराष्ट्र है थोड़ा सा। उसके बाद हम पंजाब की बात कर ले, पंजाब में है, असम है, ठीक, उसके बाद कोलकाता में, मतलब ऐसे कई स्टेट है हमारे इंडियन के जिसमें ये पाया जाता है। ठीक, चलो फिर हम बात करते हैं अपने यूपी की बात कर ले, हम स्पेशली यूपी की बात करेंगे। तो यूपी में क्या है, यूपी में भी कई ऐसे स्टेट के जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, सब में लगभग स्पेशली कुछ डिस्ट्रिक्टों में इसका ज्यादा पालन किया गया है। खासकर हम बात करें तो सहारनपुर के साथ और जो हमारा मिर्जापुर है इसमें और जौनपुर को साइड, मतलब जहां पे ये क्या करेंगे, हम स्पेशली जहां पे इसको पालन करा सकते हैं, मतलब हमको जो हमारा सेरिकल्चर है, रेशम उद्योग है, सही से जहां निर्मित हो सके हम उसकी बात करेंगे। ये होता कहाँ पे है, तो ये देखो एक क्या होता है, मलबेरी प्लांट्स होते हैं। मलबेरी प्लांट्स की जो लीफ होते हैं, हम इसको दिखाएंगे कि मलबेरी प्लांट्स क्या है। एक हरे कलर की पत्ती जैसे आप देखें इसको, एकदम ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हमारा स्पेशली गुड़हल है, गुड़हल के पत्ते जैसा इसके पत्ते होते हैं एकदम ग्रीन। ये जो हमारे पूरे के पूरे क्या होते हैं, ये मक्खियां होती हैं, उसी ग्रीन मक्खियां बैठती हैं, जो हमारा कैटरपिलर लार्वा होता है वो सही तरीके से उस ग्रीन प्लांट के जो लीफ होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पढ़ेंगे इनके बारे में। तो फिर हम चलते हैं, क्या ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हम बात करें और आगे इनकी मॉर्फोलॉजी की, कि जो हमारा बेम्बैक्स है इनकी स्पीसीज भी कुछ है, स्पीसीज को हम देखेंगे बाद में और दूसरे लेक्चर क्लास में, लेकिन बस हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी। तो हम बात करें इसके स्पेशल, ये जो हमारे बेम्बैक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, हम इनकी बात कर ले कि दोनों कैसे हैं। ये एडल्ट फीमेल की बात कर रहा है, ये एडल्ट मेल की बात कर रहा है।
तो हम बात कर रहे हैं इनके फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में इनकी बॉडी जो होती है वो व्हाइट होती है, मतलब एकदम सफेद होगा। ये कैसे होते हैं, ये एकदम लाइटली सफेद होते हैं। कैसे होते हैं, लाइटली व्हाइट दिखाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इनमें क्या है, इनमें क्या होती है, आइस पाई जाती है, कंपाउंड आइस। जैसे हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारा आर्थ्रोपोडा फैमिली है, और सॉरी आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्टा है, खासकर हम आर्थ्रोपोडा की बात कर लें, जिनमें आइस सिस्टम है वो थोड़ा सा कंपाउंड ही होता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंसेक्ट पड़े हैं, इंसेक्ट की जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, कंपाउंड ही होती है। तो हम कंपाउंड से इनको देख रहे हैं कि इनकी आंखें जो हैं आइस कैसे हैं, कंपाउंड हैं। उनके बाद इनमें क्या होती है, इनमें जो मतलब टू पेयर्स क्या होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए, दोनों में कॉमन है। उसके बाद हम बात करेंगे मेल और फीमेल की। तो जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और मेल कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और बात करें इनमें कि इनका जो माउथ है, इनपे एंटीना पाया जाएगा, दोनों में स्पेशली एंटीने पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं एंटीने, देखो एक जोड़ी एंटीने पाए जाते हैं, वो भी हम कैसे कहते हैं इसको, फ्लूम, क्या कहते हैं, फ्लूमिनी, और या फिर फ्लूमोज, क्या कहते हैं, फ्लूमोज प्रकार के एंटीने पाए जाते हैं। ये कई बार आपका जो एमएससी है, एमएससी का जो जूलॉजी का एग्जाम होता है, उसमें ये कई बार पूछा गया था, एक आध दो बार हम देखे थे इसको। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो इसके एंटीने होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके एंटीने होते हैं फ्लूमोज, ठीक, क्या होते हैं, फ्लूमोज या फ्लूमोज होता है, फ्लूमोज होता है इसके एंटीने के प्रकार। बात करेंगे इनमें कैसे माउथ भी होते हैं, क्या करते हैं माउथ, माउथ स्पेशली मुखांग की तरह काम करते हैं, जैसे माउथ सिस्टम काम करता है, वैसे इसमें एक चूसक सक्शन करने का, या किसी चीज को सक्रीशन करने के लिए, चूसने के लिए एक स्पेशल इसमें माउथ होती है, वो हो गया। आगे बात करेंगे कि इनमें क्या होती है, इनमें तीन जोड़ी पैर होती है। कैसे हो स्टूडेंट, इनमें तीन जोड़ी स्पेशली पैर होती है, थ्री पेयर्स पैर होती है। पैर मैंने नहीं बना सका यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे से इसके वर्टिकल साइड दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक। तो अब देखो हमको क्या पढ़ना है, ये इसकी हमने पढ़ा क्या, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, हैबिट और हैबिटेट, और इन दोनों का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जितना हमको देखने में आया था। फिर आगे बात करेंगे इसके, किसकी, हम बात करें साइकिल की। तो अगली हेडिंग डालिएगा आप लाइफ साइकिल, चलेंगे लाइफ साइकिल। तो देखो स्टूडेंट, जब लाइफ साइकिल की बात आती है तो एकदम सिंपल से हमको एक टर्म्स दिखाया जाता है, या फिर बताया जाता है कि इसके हम टर्म्स में क्या क्या बताएं। तो स्टूडेंट टर्म्स की बात करेंगे तो टर्म्स स्पेशली दिखाया जाता है इनके कि इनमें कई प्रोसेस होते हैं, मतलब पांच से छह कह लें कि ज्यादा पांच से छह स्टेप होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्टेप, दो, तीन, चार और पांच, पांच स्टेप देख रहे हैं, तो कुल छह स्टेप में ये पूरा होता है इसका और लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि इनके एडल्ट जो है वो कैसे लाइफ साइकिल कहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करता है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा एडल्ट फीमेल और मेल है, जब दोनों एडल्ट हो जाते हैं, बात करेंगे इसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा एडल्ट फीमेल और मेल है, जब इन्हें दोनों बड़े हो जाते हैं, दोनों बड़े होने के साथ ये करते हैं कॉपुलेशन करते हैं। जब ये एक्टिविटी कॉपुलेशन करते हैं तो ये एक्टिविटी लगभग दो से तीन घंटे लगातार चलता रहता है। कैसे चलता है, दो से तीन घंटे लगातार चलता रहता है ये कॉपुलेशन एक्टिविटी। जब इनकी चलती रहती है, जैसे ही कॉपुलेशन खत्म होता है, उसके बाद लगातार जो हमारी फीमेल है वो अंडे देने का वर्क करती हैं, क्या करती हैं, अंडे देने का वर्क करती हैं। ये दो तीन दिन अंडे लगातार क्या करती हैं, दो तीन दिन बाद ये अंडे देने, तुरंत से अंडे देने स्टार्ट करती हैं, लेकिन दो तीन दिन तक अंडे देती हैं, ठीक। ये दो तीन दिन तक इक्का फॉर्मेशन करती रहेंगी। जब जैसे ही इक्का फॉर्मेशन करती रहती है तो हमको क्या मिलता है, इक्का फॉर्मेशन कर रही है, इक्का फॉर्मेशन करेंगी क्या, जो हमारा मलबेरी प्लांट्स का लीफ है उसी पे ये क्या करती है, इक्का फॉर्मेशन करती रहती है, क्या करती है, इक्का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे मलबेरी प्लांट्स पे क्या कर रहे हैं, इक्का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, मलबेरी प्लांट पे इक्का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें इक्के जो फॉर्मेशन है उस समय हमको ये दिखता है कि जैसे इनके लेयरिंग होती है, हम कह ले कि पहले स्टेप में हमने देखा कि जो हमारा एडल्ट मेल और फीमेल था, ये दोनों क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के बाद ये तीन घंटे तक कॉपुलेशन इनका चलता है। कॉपुलेशन के बाद ये क्या करते हैं, जो फीमेल होती है वो अंडे देने स्टार्ट कर देती है, अंडे देती है। उसके बाद क्या करती है, अंडे लेयरिंग के रूप में तैयार। तो दूसरा हेडिंग आप डालिएगा, पहला हेडिंग आपने डाला था इम्प्रेगनेशन, क्या डाला था, इम्प्रेगनेशन हो गया, इम्प्रेगनेशन। तो पहले हेडिंग में आप इम्प्रेगनेशन में कॉपुलेशन एक्टिविटी को दिखाइएगा, दूसरे एक्टिविटी में हम डालेंगे इग लेयरिंग, क्या डालेंगे, इग लेयरिंग। देखो स्टूडेंट बात करते हैं जब इग लेयरिंग की, तो जो हमारा इग लेयरिंग है कॉपुलेशन के बाद जो हमारी फीमेल होती है वो क्या करती है, इक्का फॉर्मेशन करते रहती है, मतलब इक्का फॉर्मेशन करने लगेगी तो ये क्या करती है, मलबेरी प्लांट्स पे इग क्या करती है, जमा कर लेती है, और इसमें चिपचिपा कुछ म्यूकस लगे होते हैं जिससे वो चिपक जाते हैं उसी के बाहरी सतह पे, ठीक।
जैसे ही बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं तो वो क्या करता है, ये जो एक्टिविटी है वो लगभग 1 से 24 घंटे तक चलती है, मतलब एक दिन पूरा चलेगा, मतलब एक दिन का पूरा, एक वन डे पूरा टाइम रहती है, एक दिन से ये 24, जैसा फीमेल के पास एक्टिविटी हो या जैसा क्षमता हो इनके बारे में ये वर्क करेगा। ठीक, अब इनके बाद क्या करती है, जब हमारा जो पूरा का पूरा फीमेल है वो कितने अंडे देगी इनके बाद कर लें, कि जो इनके स्पेशली के जो नंबर होगा वो कुछ ऐसा होगा, हम दिखाएंगे कितना ऐसे कर लें यहाँ पे, जो हमारा फीमेल होगी वो क्या करेगी अपने पूरे लाइफ में 450, मतलब इतने इक्का फॉर्मेशन, 450 से 500 इक्का फॉर्मेशन करेगी। जब इक्का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स हो जाएगा उसके बाद फीमेल जैसे ही डेथ कर जाती है। देखो हमने इसके पहले एपिकल्चर पढ़ा था, एपिकल्चर में जो थे क्या कर रहा था, मेल यहाँ पे डैमेज होता था, लेकिन यहाँ पे फीमेल डैमेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, की पॉइंट के रूप में काम करेगा ये। ठीक, यहाँ पे क्या करती है, हमारा फीमेल डेथ हो जाती है। अब बात कर रहे हैं, ये तो प्रोसेस हो गया इनके बारे में, बात करेंगे एक की, कि इग लेयरिंग के बाद जो हमारा, या इग लेयरिंग के बाद हमारा जो इग है इनके क्या कह रहा है। देखो इग की बात करेंगे, इनके कलर की बात करें तो ये व्हाइट होते हैं। ठीक, जब व्हाइट होते हैं तो, और हम पूरे इग की बात कर लें, जो इग है लगभग उनमें क्या हो, 2000 इग की संख्या हो तो 1 ग्राम इनकी वेट होती है, कितनी होती है, यदि वे संख्या में 2000 पाए जा रहे हैं, ठीक, तो इनकी जो वेटेड होगी वो 1 ग्राम होगी, याद रखिएगा 1 ग्राम होगी। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये 10 दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं, मतलब ये अंडे नॉर्मल हिटिंग करके, ठीक, ये 10 दिनों तक उसी जगह पड़े रहेंगे, जैसे 10 दिन होते हैं उनके भीतर से एक लार्वा स्टेज निकलता है, जिस लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा। जब हमारा कैटरपिलर लार्वा निकलता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो इसमें हमने यही पढ़ा कि जो हमारा 400 से मतलब 400 से 500 सपोज जो इग है वो क्या किया, 10 दिन तक यहाँ ठहरा, 10 दिन ठहरने के बाद क्या किया, उनमें से एक लार्वा निकला, एक लार्वा स्टेट डेवलप हुआ जिसको हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। जो हमारा कैटरपिलर लार्वा है वो थोड़ा सा स्पेशली है, इस पे नोट्स भी आता है, ब्रीफ नोट्स लिखने के लिए, तो कैटरपिलर लार्वा को हम देखेंगे, क्योंकि जो स्पेशल, जैसे कैटरपिलर लार्वा जर्मिनेट होता है, आप देख रहे हैं सारा दिख रहा है, ये हेड है, ये लेग्स, ये इसकी बॉडी, ये डार्सल, ये इसकी लास्ट में एनस है, तो इसकी बात कर लें कि जो हमारा कैटरपिलर लार्वा जैसे ही जन्म लेता है तो इसकी जो साइज होती है वो 0.1 इंच होती है, कितनी होती है, 0.1 इंच, और इनकी वेटेड की बात करेंगे तो थोड़ा सा कमजोर होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, ठीक, 1 ग्राम से कम ही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिगमेंटेड होती है, कितनी होती है, सिगमेंटेड होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि सिगमेंटेड है, तो सेगमेंट कितनी होती है, 12 सेगमेंट, मतलब 12 सेगमेंटेड के ये साथ आते हैं, इनमें सेगमेंट आपने 12 से ज्यादा मत बनाएगा, यहाँ पे बना है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 12 सेगमेंटेड में जो हमारा 10 पेयर्स है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ पे एक 9th है, ठीक, ये 9th हो जाएगा, 9 और एक स्पेशली इसको ले लीजिए, ये 10th है। ये 10 सेगमेंटेड में क्या होती है कि इनपे स्पेशली 5 जोड़े जो होते हैं वो पैर पाए जाते हैं, मतलब इनके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, जो घूम रहे चलने के वर्क करते हैं, जो मूव करते हैं इनको, ये हर मिनट में लगभग, इनकी बात करें तो हर मिनट में 65 से 7, मतलब लगभग 65 से 70 बार ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, अपने आपस को दिखाते हैं, ठीक। तो जैसे ये हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे कि ये पूरा का पूरा जो कहता है, ये जो बॉडी होती है कैसी होती है, एब्डामिनल होती है, कैसे एब्डामिनल होती है, एब्डामिनल में पाए जाते हैं, ठीक, एब्डामिनल में क्या पाए जाएंगे, इनके 10 पेयर्स पाए जाएंगे। तो ये तो हो गया, जैसे हम सपोज इसके आगे बात करेंगे कि ये जो हमारा कैटरपिलर लार्वा है ये क्या दिखा रहा है, तो स्टूडेंट्स कैटरपिलर लार्वा की बात करें तो और ये दिखाएगा, इनकी जो जैसे ये बड़े होते हैं, मतलब ये ज्यादा खान पान की वजह से ये कहाँ पाए जाएंगे, हमारा जो क्या है मलबेरी प्लांट्स है, इसके लिप पे इसको छोड़ा जाता है, और हम दिखाएंगे लास्ट में छोटा सा क्लिप दिखाएंगे, वीडियो क्लिप, उसमें आपको दिखेगा कि कैसे ये लाइव चलता है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये पूर्ण से विकसित हो जाता है तो इसमें टाइम लगता है, कि मतलब उधर 10 दिन उधर, मतलब 10 डेज उधर लगे थे, 10 डेज के बाद, मतलब हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लें कि जो मलबेरी प्लांट था, मलबेरी प्लांट में जो इक का टाइमिंग था वो कितना था, 10 डेज था, लेकिन जो इनकी टाइमिंग होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, इनकी जो टाइमिंग होती है हम यहां से लिख लेंगे 21 से लेकर 25 डेज होती है, कितनी होती है, इतनी डेज होती है, ठीक। इतने डेज तक क्या करेंगे, अपने आप को सही तरीके से, कई बार क्या कहते हैं, मोल्टिंग करते हैं, मोल्टिंग लगभग 5 से 6 बार ये मोल्टिंग करेंगे, मोल्टिंग करते करते अपने आप को इतना कह लो कि डेवलप बनाते हैं, और जब ये डेवलप बनाते हैं तो क्या होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, कितनी होती है,
इनकी लंबाई बढ़कर काफी अच्छी होती है, मतलब 7.5 तक 5 इंच लंबी दिखाने लगती है। और जो इनका वेटेड होता है वो भी क्या होता है, 4 से 5 ग्राम या 4 से 6 ग्राम दिखाता है, इतना ग्राम इनका वेटेड भी बढ़ जाता है। ठीक, जैसे ये पूरा होते हैं ये एक और लार्वा स्टेज क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्यूपा स्टेज। क्या कहते हैं? प्यूपा अवस्था। जो प्यूपा अवस्था है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, वो भी कई बार आता है। तो प्यूपा अवस्था क्या कहता है, वो कैटरपिलर का ही डेवलपिंग पार्ट्स है, लेकिन जैसे ही कैटरपिलर लार्वा प्यूपा अवस्था में कन्वर्ट होता है या बदलता है, वो भोजन लेना बंद कर देता है, एकदम सुप्त पड़ जाता है। क्या करता है? भोजन लेना बंद कर देगा तो एकदम सुप्त अवस्था में पड़ जाता है। देखो स्टूडेंट, जैसे ही सुप्त अवस्था में पड़ जाएगा तो उनकी पूरी एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो स्टार्टिंग होती है वो रुक जाती है, और इनके हाथ पैर सब इनके क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं। जैसे ये गायब होने लगते हैं तो प्यूपा जो हमारा है, ये जो हमारा कैटरपिलर लार्वा था, इसकी जो स्पेशली सिल्क ग्लैंड्स थी, क्या करती है, सिल्क ग्लैंड्स एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं जो प्यूपा के चारों ओर लिपट जाती है। क्या करती है? प्यूपा के चारों ओर लिपट जाती है। जैसे ये लिपट जाती है, ठीक, क्या कर देंगी, जैसे लिपट जाएंगी, लिपटने के बाद जैसे जैसे इनमें हवा लगेगा, वायु का इनमें फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, उनके चारों ओर निर्मित हो जाएंगी, वो रेशे नुमा एक संरचना होती है चिपचिपा, वो लिपट कर सूख जाता है, जिसे हम कुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? केकून कहते हैं। ये केकून क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है और वो इसके अंदर से क्या करता है, इसके अंदर से कुछ दिनों बाद क्या करते हैं हम, इनके स्पेशली जो आपके क्या है उसमें जो हमारा लार्वा था वो एक बेसली हल्का सा छोटा सा, जैसे एडल्ट बच्चे की बात करें, अरे एडल्ट हम क्या करें सिल्क वर्म की बात करें, तो जो हमारा स्पेशली कोकून नट दिखा रहा है या कट दिखा रहा है, इसमें क्या करता है, एक स्पेशली सा हल्का सा छारी या बेसिक मटेरियल या बेसिक लिक्विड स्रावित होता है या सीक्रेट होता है, जो उस पूरे कट को क्या करता है, भिगो देता है। भिगोने के बाद इसमें से जो हमारा एडल्ट मेल या फीमेल है वो बाहर की ओर निकल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहता है। जब देखो स्टूडेंट्स, ये लाइफ साइकिल चल रही है तो जैसे जैसे लाइफ साइकिल बन रही है, ये लाइफ साइकिल पूरा टाइमिंग लगता है, लगभग इसमें 65 से 70 दिन के टाइम लगती है, इतने दिन में ये टाइमिंग को पूरा करते हैं। ठीक, और बात करें इनके कुछ पॉइंट्स की, तो इनके पॉइंट्स कैसे हैं, हमने देखा कि स्पेशली इनके कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज देखा। अब नेक्स्ट जो क्लास है, अगले क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा सेरी कल्चर है वो इंडियन कल्चर के लिए कितना हेल्पफुल है और हम कैसे इसको इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की दृष्टि से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।